11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब इसको आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। अब एक बात देखिए यहाँ पे, जैसे आपका ये शेप कौन सी है, ये है आपकी स्क्वायर, ये है आपकी रेक्टेंगल और ये है आपका सर्कल, ठीक है। अब इसमें आप अगर बाउंड्री की बात करते हैं, यहाँ का हम बाउंड्री का निकालते हैं, हम ये कितनी है इसकी लेंथ, इसके पूरा निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं बाउंड्री का एरिया, फाइंड आउट करते हैं बाउंड्री की पूरी लेंथ, तो वो हमारी किसमें जाती है, पैरामीटर में। किसमें जाती है, पैरामीटर में जाएगी। इसकी भी हम ये पूरी लेंथ करेंगे, ये कितना कितना ये एरिया का है यहाँ पे, जैसे ये हम बाउंड्री की बात करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, पैरामीटर में। और यहाँ पे अगर सर्कल पे हम बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पूरा सर्कमफेरेंस। क्या कहलाता है हमारा सर्कमफेरेंस। अब पैरामीटर है सर्कमफेरेंस है। पैरामीटर आपका किस इसका कितना होता है, टू, ये इसका होता है फोर मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका होता है टू एल प्लस बी होता है, और सर्कमफेरेंस होता है इसका टू पाई आर होता है, ठीक है, इसका होता है टू पाई आर। अब हमें यहाँ पे इसका, जैसे इसका हमने वो निकाला, पैरामीटर फाइंड आउट किया, इसका सर्कमफेरेंस होता है, वैसे इनका एरिया भी होता है। यहाँ पे अगर अंदर की हम जो एरिया, हम अंदर का पूरा पोर्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। इसमें भी हम एरिया निकालेंगे और इसमें भी हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए जो रूल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई, एरिया निकालने का रूल होता है अंदर का पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इसका रूल होता है। तो मीन्स हमें अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो यू विल फाइंड सर्कमफेरेंस मीन्स आपका एक तरह से वो पैरामीटर ही हुआ, किसका हुआ, सर्कल का। तो आपका रूल कितना होता है, टू पाई आर, तो हम टू पाई आर लगाएंगे। संग में इन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि हमारी जो टेक है पाई, पाई कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। पाई की वैल्यू दो हो सकती है, एक तो पाई 22/7 या पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपको जो बोली जाएगी वो ही वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगी। जिस समय आपको कौन सी बोली गई है, 22/7 बोली गई है। तो फर्स्ट पार्ट इज हियर सॉल्व, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, टू पाई और आर रहता है। अब टू आपका ये है, पाई की वैल्यू आपकी कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है, पाई है यहां पर, और आर आपका कितना है, 14 है। तो आपने कट किया 7 × 7 = 14, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 44 = 88, तो आपका कितना आया, 88 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। नाउ सी पार्ट देखिए, सीबीएसई है, बी इज होमवर्क, 21 सेंटीमीटर। तो यू विल राइट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, टू पाई आर, तो टू आपका ये रहेगा 22/7 रहेगा, देन आर की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 21, देन 7 × 7 = 21, 22 × 44 = 44 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 and 13, 132, 132, इसके साथ यूनिट क्या है आपकी, सेंटीमीटर। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर साइड फर्स्ट इज कंप्लीटेड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर टू, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट। यहाँ पे क्या है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस और बी पार्ट डायमीटर गिवन है। अब जो एरिया ऑफ सर्कल का रूल होता है पाई आर स्क्वायर, आपको एरिया निकालने के लिए आपको आर कंपल्सरी है। पाई की वैल्यू क्या आपकी, 22/7, यू विल हैव 22/7, आर लगेंगे 14 × 14, क्योंकि आर की पावर 2 है, तो आर को आपको दो बार लिखना पड़ेगा, 7 × 7 = 7, 2 × 14, देन ये 22 ये 44 हो गए, देन 44 × 14, 4 × 4 = 16, देन 4 × 4 = 16 = 17, देन 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5 and 6, 6, 1, 6, कितना आंसर आया, 6, 1, 6 सेंटीमीटर। आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। नाउ सेकंड पार्ट देखिए आप, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे क्या दिया, डायमीटर दिया है आपका, हमें चाहिए क्या, रेडियस।
तो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होके जो इस पार्ट से लेके सर्कमफेरेंस के दूसरे पार्ट तक जितनी भी लाइन जाती है सेंटर से होके, तो वो क्या सारी कहलाती है आपकी डायमीटर कहलाती है। पर अगर सर्कल से होके नहीं जाती, ऊपर से जाती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो वो आपकी कॉर्ड कहलाती है। पर अब हमें कॉर्ड नहीं, हमें डायमीटर की जरूरत है। अब आपका जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर में दो रेडियस होती है, एक ये होती है एक ये होती है, मीन्स डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर में टू रेडियस होती है। अब हमको अगर हमें क्या निकालना है, यहां से आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी अपॉन टू इज इक्वल टू हमारा आर हो जाएगा। तो हमारा आर इस समय क्या कहलाएगा, हमारा आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 49 अपॉन टू हो जाएगा। तो ये दिया 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 49 अपॉन टू देन मल्टीप्लाई 49 अपॉन टू, आप काटेंगे यहां से 7 7 जा 49 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट गया आपका। अब आपका आया 11 7 का 77 आया मल्टीप्लाई 49 9 7 जा 63 6 9 7 जा 63 64 65 66 67 68 69 4 7 जा 28 2 4 7 जा 28 29 30 तो 3 8 8 16 और 1 17 7 और ये 3। अब इसमें आपका क्या आया, 2 का डिवाइड लगाएंगे कि नीचे 2 रिमाइंडर में बच रहा है, 2 से 2 1 जा 2 1 2 8 जा 16 1 ये 7 नीचे आया, 2 8 जा 16 1 ये 3 नीचे आया, 2 6 जा 12 1 डेसिमल लगाया देन 2 5 जा 10 तो आपका आंसर आया 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। 1 सी पार्ट इज रेस्ट दैट इज इन योर होमवर्क।